बस बाकी भी जो फोटोज है वो यहीं चिपका दीजिए, ठीक है? आप देख रहे हैं तीनों ने एक ही टी शर्ट पहना है और तीनों की टी शर्ट में एक ही लड़की का फोटो है। दूरबीन दो। अम्मा ये तो अपने संतोष जैसी दिखती है ना? अरे ये लड़की, इसको तो हम जानते हैं, ये तो कोरिया की है। क्या? कोरिया? आप कब गई कोरिया? नहीं नहीं, अपने पड़ोसी है ना मंगत जी, उनके साथ गई थी। उनकी बेटी पिंकी, वो इसकी बहुत बड़ी फैन है। कोरिया की बहुत मशहूर गायिका है ये। हाँ, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इसके गाने गुनगुनाते रहते हैं। एक इसका बहुत मशहूर गाना है, हमें याद है। मतलब ऐसा ही कुछ है वो। इसका नाम हम जानते हैं। का नाम याद तो करने दो, इनके नाम आसान नहीं होते बोलने के लिए ना। याद क्यों नहीं आ रहा है हमें? वो लोटा अगर खींच के फेंका तो कैसी आवाज आएगी? टंग टंग फड़ंग यांग चांग जांग, ये नाम है उसका। अरे कोरिया की बहुत मशहूर गायिका है ये। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही तेरे दिमाग में चल रहा है? हमको ऐसे काहे लग रहा है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है वही तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? पुष्पा जी, बुलाइए संत को। अम्मा पुष्पा जी कब तक होगा? अरे आ रहे आ रहे। गरिया कह रही है आप? हाँ वक्त लिया है मगर काम भी तो अच्छा करना है ना, तो सब लोग अपने अपने होश संभाल लीजिए क्योंकि वो चुटकी में उड़ने वाले हैं। तो पेश है इंटरनेशनल पॉप स्टार यांजान। गजब गजब संतु जी, आप एकदम जापानी गुड़िया लग रही हैं। कोरियन संतु जी, आप एकदम कोरियन गुड़िया लग रही हैं। गजब बात है, सफेदी की चमकार, क्या मस्त आइटम लग रही है रे तू। मैं लड़का होती ना नक्की तेरे को पटा लेती। अरे संतु जी पहले ही सफेद, ऊपर से ये कोरियन चूना पोत दिया है, मतलब मैदा देखे ना तो मैदा पैदा होने के लिए मना कर दी। कौन सा प्रजाति का जानवर है तू? तारीफ भी ऐसे करता है जैसे लग रहा अभिशाप दे रहा है। कितनी सुंदर लग रही है संतु जी, ऊपर से बोलना जरूरी है। नहीं पर बहुत बढ़िया काम किया संतु तुमने। हमने किया है? हाँ बहुत बढ़िया काम किया आप दोनों ने संतु। अकेले हमने किया है? हाँ मतलब ठीक है ना पुष्पा जी, अब क्या क्रेडिट में पूरा जिंदगी निकाल दे क्या यहाँ पे? हाँ काम कर ले अब आगे बढ़े। हाँ अब हर मॉल में, मार्केट में, मल्टीप्लेक्स में एक पोस्टर होगा। पोस्टर में होगा यान जान फेक शो होने वाले का विज्ञापन और साथ में बनेगी एक वेबसाइट जिसमें हम इसका टिकट बेचेंगे। और अगर ये यांग किंग कॉन्ग इसका असली फैन, वेरी गुड, अगर ये असली फैन है तो इस प्रोग्राम में नक्की आएगा। बिल्कुल, और वहाँ आने के लिए उनको करना होगा टिकट बुक। टिकट बुक करने के लिए उनको आना होगा ऑनलाइन। जैसे ऑनलाइन आएंगे ना संतु, वैसी आईपी एड्रेस लेना, लोकेशन ट्रेस करना और पलक झपकते ही ना हम उनके सर के ऊपर खड़े होंगे उनको दबोचने के लिए कि मैया का सासू मैया। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है, भगवान करे ऐसा ही हो जैसा आपने सोचा है। अरे हो जाएगा मातारी, भगवान सच बोलने वालों को ना हमेशा एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, इसलिए अपना प्लान नक्की सक्सेसफुल होगा आइटम। चलो चलो अभी बहुत काम है और संतु तुम्हें फेक वेबसाइट बनानी है, चलो। अरे उससे पहले संतु का फोटो लो, उसको फोटोशॉप करो, इश्तियार बनाना है फेक यांजान शो का। जाओ जाओ जाओ। आई संतु जी, बिलाते रहने दे, रहने। आई संतु जी, आई आई। अबे रवि कृष्ण उठ। अरे अबे रवि कृष्ण उठ। अरे उठना यार, जल्दी उठ। अरे तुम कब तक सोते रहोगे भाई? क्या यार, सुबह सुबह सोने देना यार, नींद आ रही यार मुझे। पोस्टर देखेगा ना तुम सबकी नींद उड़ जाएगी। ये देख, देखिए ये तो वो है ना अपनी वाली, अपनी यान जान शहर में कॉन्सर्ट करने के लिए आ रही है ब्रो।
कैन यू गाइस इमेजिन? यान जान, अरे सब फेक है यार, जैसे हम सबको उल्लू बनाते हैं ना, कोई वही काम कर रहा है। सही बोल रहा है रवि, अगर यान जान हमारे शहर में आती ना तो अभी तक हंगामा हो जाता यार, समझ रहा है बात को? एक कहीं पे एक मक्खी भी नहीं उड़ी इस न्यूज की कि यान जान हमारे शहर में आ रही है। बे, कोई छोटा मोटा शो नहीं है कि लाउडस्पीकर लगा दी गली में और चले गए? अबे चलना यार प्लीज, मान जा भाई प्लीज। दिखा, देख 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 देख, यान जान। नहीं यार कोई नहीं जाएगा, पकड़ इसको। कहीं यान जान सच में तो नहीं आ रही है? ज्यादा तो नहीं बचा है, पर जितना भी सांस बचा है ना तुम्हारा, ले लो अपनी जिंदगी का, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, और यहाँ तक पहुँच गए तो तुम्हारे पास भी बहुत जल्दी पहुँचेंगे, ध्यान रखना हमारी बात को। और जिस दिन तुम्हारे पास पहुँचेंगे ना बेटा, सच वो जिस दिन तुम रोगे, रोगे कि तुम पैदा भी क्यों हुए, और तुम्हारी सांसों को ऐसे नोच कर ऐसे क्रोच कर ऐसे निकाल लेंगे ना, कि जाते जाते तुम्हारी सांस सिर्फ और सिर्फ मैडम सर के खून के उस कतरे को याद करेगी और उससे माफी मांगेंगी, गिड़गिड़ाएंगी, यही करोगे बस। तुम आएंगे तुम्हारे पास, जल्दी आएंगे, याद रखना, तुम तैयार रहो बेटा, तुम तैयार रहो। हमारा 24 घंटा खत्म होने में बस एक घंटा बाकी, और इन लोगों को आता पता नहीं है अभी तक। चेक करो संतू, चेक करो, हो सकता है ये लोग मिल जाए, एक बार चेक करो। वही चेक कर रही हूँ मैडम, लेकिन ये सारे कॉलर्स ना जेन्युइन है, ये जेन्युइनली आना चाहते हैं, शो देखना चाहते हैं, टिकट बुक करना चाहते हैं, इसमें से कोई भी सस्पिशियस नहीं लगा। अरे ऐसे तो शो हाउसफुल हो जाएगा और हमें शो करना पड़ेगा, मुझे कोरियन गाना नहीं आता। अरे बस ना, चुप ना, कितना बोल तू, ऐसे तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। एक घंटे के अंदर अगर वो मुजरिम नहीं पकड़े गए तो फिर वो बुलबुल का बच्चा आ जाएगा हमारे संतू को हिरासत में लेने के लिए। कुछ नहीं होने देंगे संतू को, और कोई नहीं ले जा सकता इसको। एकदम सही बात बोली चटक चांदी, अरे अपनी सफेदी की चमकार बिल्कुल अकेली नहीं है, कुछ नहीं होगा, अपन सब है उसके साथ। हाँ लेकिन उसको निर्दोष साबित करना है, असली मुजरिम को पकड़ना, उसके सर से ये गिरफ्तारी का तलवार हटाना, समझो। लेकिन मैडम उसके लिए तो धोखेबाज सबका पकड़ में आना जरूरी है ना। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उन्हें उनके बिल से बाहर निकाले। खाना खत्म करके क्या तजुर्बा कहता है हमारा कि लालच की भूख तब और बढ़ जाती है जब लगता है कि शिकार हाथ से फिसलने लगता है। ना हमको समझे नहीं। मैं समझ गई, इनके कहने का मतलब ये है कि अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इस शो की ऑनलाइन टिकट जो है बहुत तेजी से बिक रही है, इतने तेजी से बिक रही है कि अब कुछ घंटों में ऑनलाइन बुकिंग जो है वो ही बंद करनी पड़ेगी, है ना। इससे वो लोग परेशान हो जाएंगे कि वो अपने फेवरेट बैंड से नहीं मिल पाएंगे और बिना टाइम वेस्ट किए ऑनलाइन आएंगे। हाँ, एक साथ 3 टिकट्स बुक करने की कैटेगरी में वो टिकट्स बुक करेंगे, उसके बाद उनकी बुकिंग आईडी मैं वेरीफाई करूंगी कि फेक है कि जेन्युइन है, उसके बाद हम उन्हें इजीली पकड़ पाएंगे। सिंगाड़े खा के कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, इसका नेचुरल टैलेंट जो तुम लोग ने हल्के में लिया अब तक, देख तू मेरे से पहले मिली होती ना, अब तक तो खुद का रॉकेट बना के चांद पे भेज चुकी होती। चल चल चल। देख मैंने बोला था, किसी ने सुनी मेरी? देख कितनी जल्दी टिकट सोल्ड आउट हो रही है। तूने कब बोला बे? बोला ना मैंने, अभी तो बोला। अबे ये सब छोड़ो, न्यूज आर्टिकल हर जगह इसकी शोशेबाजी हो रही है और हम यहाँ पर बैठकर हाथ मल रहे हैं, ये देखो। भाई ये देख, वेबसाइट भी एकदम ऑथेंटिक है और टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो रहे हैं भाई, अभी तो मान जा। अरे यार सोच क्या रहा है, अभी टिकट बुक नहीं करी ना तो वो यान चांद शो करके निकल जाएगी और हम यहाँ बैठे झक मारते रहेंगे। भाई और कितनी फुटेज खाएगा, अभी तो हाँ बोल दे। चल ठीक है, ओके। अरे चल जल्दी टिकट बुक कर फटाफट। मैडम 3 टिकट बुक हुए एक साथ, मैं आईपी एड्रेस चेक करती हूँ। फेक है, यही है वो लड़के। देखा, कहा था ना मैं बोली थी कि अपन पकड़ लेंगे। फाइनली फंस गए हमारे जाल में, वी डिड इट, थैंक यू।
फाइनली इस झूठ से छुटकारा मिला आप दोनों की वजह से. थैंक यू. पागल गया. फैमिली को थैंक यू नहीं बोलते. आने दो इन टोपा लोगों को. ऐसा बैंड बजाएंगे इनका कि जिंदगी भर ऑफलाइन रहेंगे. वो भी कोरियन बैंड. देखते देखते पोस्टर फाड़ दोगे क्या? Look at me, my new look, event manager. कैसे तगड़ा? रोटे पता है दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो कितना भी बंधन ले, सूट उट पहन ले, सच संवर ले, उनके चेहरा से एक चीज है ना जो कभी नहीं जाता है. कौन सा? लानत. तो हिम्मत है तुम ऊपर से लेकर आया है समझा. तुम कितना भी बंधन ले, लगे चिंदी चोर ही थर्ड क्लास. हेलो मैडम, शिकार आ गया है. आने ही थे. यान जान के फैन है, मजाक थोड़ी है. अबे यार जान इतनी सुंदर लग रही है यार. यार इसकी आवाज ज्यादा खूबसूरत है कि ये समझ में नहीं आ रहा. बिलीव नहीं हो रहा. चलो चलो चलो. एक्सक्यूज मी. कम. आर यू ऑडियंस फॉर दिस इवेंट? यस यस सर. ओ नाइस. आई एम बिनु द मैनेजर. दिस इज अ बिग इवेंट मैनेजमेंट बाय मी एंड ही इज न्यूटेला. His name Nutella. ये यान जान के बैंड में ढोल बजाता है. ढोल? ढोल? ड्रम ड्रम ड्रम. ड्रम ड्रम. नाइस. यान होंग हाशो हुई. ओके. सो योर गाइस वेलकम वेलकम एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. कांग्रेचुलेशंस? किस बात के लिए? या तुम हमारे स्पेशल ऑडियंस हो. इस इवेंट के लिए हमने ऐसा डिसाइड किया है कि जो पहले 50 ऑडियंस है उनमें से हम 3 लकी ऑडियंस चुनेंगे. उनको यान जान स्पेशली ट्रीट करेगी, वेलकम करेगी, रिसीव करेगी. और वो लकी ऑडियंस तुम तीनों हो. यस यस कांग्रेचुलेशंस. यान जान आपका वेट कर रही है ग्रीन रूम में. कम फास्ट कम फास्ट. कांट बिलीव दिस. अब कितना टाइम लगेगा और वो लोग आते ही होंगे. जल्दी आइए. ये क्या आपने बाल ठीक से बनाए नहीं? ये पुष्पा जी ऐसे ही होते हैं, ऐसे कुतरे हुए. अच्छा वो सब छोड़ो. वो बताओ लाल बाल में मैं कैसी लग रही है? अरे इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट बात. इम्पोर्टेंट बात. उस लड़का बाहर आ गया, बिलोटा कभी भी लेकर उन लोग आता ही होगा. सबको याद है क्या करना है. Welcome. This is our green room. कैसे कवर कर सोफा? सोफा? Comfortably सोफे पे बैठी. Presenting ever green, ever beautiful, ever sensitive, ever sensational, Yan John. I'm Yang Jang. Are you ready for this? Main Yang Jang. Oh. I'm see kolo ki sab papaya look at a pop pop. Aap kaise hain? बहुत अच्छे. आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. मैम मैम वो आपके एक सुपर हिट एल्बम का गाना ना एक बार प्लीज गुनगुना दीजिए. यंग कैन को यान जान मेरी जान. ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है?
ये गाना तो इनके कोई भी सुपरहिट एल्बम का नहीं है, और ये इनकी कोरियन इतनी अजीब से क्यों लग रही है? तो कम कर, जल्दी से चेक कर। अभी ये तो इसकी कोई डुप्लीकेट लग रही है, असली जॉन जॉन का तो लंदन में लाइव शो चल रहा है। अभी तो ये कौन है? ये हमको बेवकूफ बनाने की कोई चाल है? एक काम करो, यहाँ से भाग लो। अबे रुको, भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना। जब मैं कुछ सोचता हूँ, लादी फोन देकर। अच्छा हुआ सर आप आ गए, इनको गिरफ्तार कर लीजिए। फ्रॉड लोग हैं सर ये, और फेक शो कर रहे हैं यहाँ पे। सर लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ पर पैसे बना रहे हैं ये लोग। और ये यानजान, सर ये यानजान भी नकली है, कितना बेसुरा गाती है ये। ए? ये यहाँ खुद नहीं आए, हमने बुलाया। और ये सारा प्रपंच भी हम ही ने रचा है तुम्हें फंसाने के लिए, क्योंकि यही सब है असली ऑनलाइन फ्रॉड। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत है, पकड़ लीजिए इन्हें। कहाँ भागा है? दिल में चोर है इसलिए तो भाग रहे हो तुम तीनों, और सबूत का जरूरत है भी नहीं हमको कि क्या है। तुम्हारे भागने ने ये प्रूफ कर दिया कि तुम तीनों ने जुर्म किया है। सर ये वो पैसे, वो जिस हमने जो फ्रॉड से कमाए थे वो वाले। शाबाश, हट। जीते क्या हुआ, रिकॉर्डिंग किया कि नहीं किया? हमार लो ना कन्फेशन इनका, करो ना रिकॉर्डिंग। हाँ, जल्दी किया। चलिए शुरू हो जाइए। जी जी हाँ, वो ऑनलाइन फ्रॉड का जो है भांडाफोड़ हुई गवाह है, और ई असली आरोपी जो है वो धर लिए गए हैं, और इस मामले का जो है सारा दूध का दूध पानी का पानी हुई गवाह है। और संतोष शर्मा महिला पुलिस थाने की जो कांस्टेबल है वो टोटली निर्दोष साबित हुई है, उसका इसमें कोई हाथ नहीं है इस मामले में। थैंक यू। क्या है ना बुलबुल सर, कि आजकल खाना पीना में ना बहुत ज्यादा मिलावट आ रहा है, जिसकी वजह से इंसान का ना याददाश्त कमजोर होता जा रहा है। भगवान ना करे, लेकिन कल को अगर आपका याददाश्त कमजोर हो गया और आप भी बात से मुकर गए कि आप संतु जी का केस सॉल्व किए थे, तो कम से कम हम लोग के पास रिकॉर्ड तो रहेगा, है ब्लड? एकदम सही कहे चीता भाई, नहीं तो ई नीच का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलटी मार सकता है। ऐसा आप कहते सर हमको, अगर हम काहे कहते, जबकि तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, हम काहे कहते? चुप रहा करो। सुनिए आप लोग, आप तीनों, पूरा दुनिया जानता है कि हमारे भारत के जो युवा हैं उनमें जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो विश्व के किसी कोने में नहीं। ईर्ष्या करते हैं लोग हमारे देश के युवाओं की योग्यता पर, और ये योग्यता कहाँ लगाया आप लोगों ने? ठग में। अम्मा इतना ही तुम्हारा प्रतिभा अगर तुम्हें लगाना है ना, तो भारत के विकास में लगा, तब हमारा भारत ना और सक्षम होगा और मजबूत हो जाएगा। कभी इस बारे में भी तो सोचो, अच्छी जगह लगाओ ना अपना टैलेंट का, तुम ठगी में लगे हुए हो। सॉरी मैम, वो क्विक मनी के लालच में थोड़ा मिसगाइडेड हो गए थे, और आज के बाद ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ये नहीं पता कि कैसे करेंगे, बट वी प्रॉमिस यू मैम कि आज के बाद अपना टैलेंट सही डायरेक्शन में ही यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। और आप पुष्पा जी, आपके उम्र के जो लोग हैं ना, उनको सतर्क रहना पड़ेगा, कभी भी अपना OTP, CVV नंबर या कोई भी पिन नंबर किसी को नहीं देना है। अगर कोई भी बैंक, कोई सरकारी, गैर सरकारी या कोई भी संस्था आपसे बैंक डिटेल मांगते हैं ना, तो इसका मतलब नहीं देना है, वो फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी आपका पर्सनल बैंक डिटेल मांगेगा ही नहीं। अगर मांग रहे हैं मतलब फ्रॉड है, ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज। अपनी जमा पूंजी जो है ना पुष्पा जी, उसको संभाल के रखिए, ऐसे फ्रॉडों को मत दीजिए। समझ गए हम, समझ गए। थोड़ा तमीज से सास है हम आपकी, आपसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने। आपकी आज्ञा हो तो अब हम चले, उठाने में बहुत काम पड़ा। नहीं नहीं, थोड़ा और बेइज्जती करवा लीजिए, फिर चलते हैं। चलिए। जय हिंद सर। जय हिंद। मैम हम लोग भी, लेकिन यहाँ दोबारा ना आना पड़े इस बात का ध्यान रखना तुम तीनों। हाँ नहीं आएगा मैम। जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।
पीछे से हाथ दे। क्या संतु जी? नहीं राखी नहीं संतु जी। फ्रेंडशिप बैंड है। क्या है? फ्रेंडशिप बैंड। फ्रेंडशिप बैंड है। आज से हम पक्के वाले दोस्त। तो इसके पहले पक्के वाले दोस्त नहीं थे संतु जी? नहीं, इससे पहले भी थे लेकिन अब चड्डी बड़ी नहीं बेस बड़ी। हाँ। चीती तो अपने मम्मी पापा से मिलवाने वाला था ना। रिश्ते के लिए नहीं, एज अ फ्रेंड बोल रहे। हमें भनक भी नहीं थी कि करिश्मा सिंह के हाथों इतने पुख्ता सबूत लग चुके हैं जो उन्हें हम पर हमला करने वाले तक पहुंचा सकते हैं, पर ऐसे अकेले इन सब में उनका इन्वॉल्व होना खतरनाक हो सकता है। हमें उन पर नजर रखनी होगी। अम्मी बस रास्ते में ही हैं, 5 मिनट में पहुंचे। ओके। उर्मिला मात्रे, आप हमारा फोन नहीं उठा रही हैं? वो मेरे को थोड़ा काम है जरा, इसके लिए मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। एक मिनट। कितने आश्चर्य की बात है ना, मुंबई की वड़ा पाव बेचने वाली एक साधारण लड़की यहाँ लखनऊ में SHO बनकर केस सॉल्व कर रही, वो भी इतनी निपुणता और दक्षता के साथ। चलिए। कहाँ? आप अपना वादा भूल गई? हसीना जी की अम्मी को हसीना जी की मौत का सच बताना है। चलिए अपना वादा पूरा कीजिए और उन्हें अपनी असलियत भी बताइए। चलिए। अभी मेरे को थोड़ा काम है, बाद में। अभी इसी वक्त आप चलेंगी और उन्हें सच्चाई बताएंगी? अरे सोड़ की, अरे काट कर तू। बस बस, बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। आपका झूठ इतना बेजान और कमजोर हो चुका है कि अब सच का बोझ उठाने की बिल्कुल शक्ति नहीं है उसमें हसीना मलिक। देख तू। बस, आपका ये झूठ वैसे भी अपनी मौत खुद मरने वाला है, इसलिए मेहरबानी कीजिए और आपका हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए। उठाकर फेंक दीजिए झूठ का ये नकाब और स्वीकार कीजिए कि आप ही हसीना मलिक हैं, क्योंकि सच हम जानते हैं। साजन को फूलों के साथ हमने ही भेजा था। और एक माँ का अपनी बेटी के लिए एहसास कभी गलत नहीं हो सकता। माँ का अपनी औलाद से रिश्ता एहसास का होता है, जो सिर्फ महसूस करके भी पहचान लेती है। बस सच हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बताइए कि आप ही हसीना मलिक है। बताइए कि आप ही हसीना मलिक है। बताइए। हम हैं हसीना मलिक। मैं हसीना मलिक। हम जिंदा है, हम हसीना मलिक की है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब विस्तार से बताइए हुआ क्या। ओके। हमारी जीप के सामने अचानक से एक शख्स आ गया, उसने हमारी गाड़ी में एक हार्ड डिस्क छुपा दी। उस हार्ड डिस्क में हमारे देश के सभी सीक्रेट एजेंट्स के डिटेल्स थे। उस दिन जब हम आपसे फोन पर बात करके निकले तो मीरा ने हम पर गोली चला दी और हमारी गाड़ी खाई में गिर गई। हम मौत के आने का इंतजार कर ही रहे थे, बख्शी सर आ गए और उन्होंने हमारी जान बचा ली। अब हमारा फोकस उस शख्स को ढूंढने में होना चाहिए जिसने मीरा को हैक किया। आज से इस मिशन का नाम होगा मिशन बहरूपिया। और फिर हम हसीना मलिक से बन गए उर्मिला महादेव भात्री। हसीना मलिक जी, अभी अभी दोनों आपका एड्रेस लेके निकली है। अगर तुम हमारे साथ लखनऊ आती हो
तो हम तुम्हें दिन के रोज 2000 रुपए देंगे। तो फिर वो हार्ड डिस्क कहाँ है? आपने उसे नष्ट कर दिया ना? नहीं, उस हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा था हमने उसे एक पेन ड्राइव में सेव कर लिया था। और वो पेन ड्राइव कहाँ है? पेन ड्राइव हमारे लॉकेट में। और वो लॉकेट कहाँ है? साजन के पास चला गया अनजाने में। आप जानती हैं उसमें क्या है? उसमें हमारे देश के गुप्तचरों की विस्तृत जानकारी है। अगर वो गलती से भी किसी गलत हाथों में चली गई तो उसका परिणाम जानती हैं आप? ऐसी तबाही जिसे हमारा देश कभी नहीं भूल पाएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा हसीना जी। आप इतनी महत्वपूर्ण चीज किसी के हाथ में कैसे दे सकती है? अनुभव, हम जानते हैं गलती हो गई, लेकिन साजन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और हम उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप अभी साजन को कॉल कीजिए, यहाँ बुलाइए और तुरंत वो लॉकेट वापस लीजिए प्लीज। माफ कीजिए, लेकिन हम ये पेन ड्राइव सिर्फ और सिर्फ बख्शी सर को ही दे सकते हैं। ये हमारी ड्यूटी है अनुभव, जिसे हम हर कीमत पर निभाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, वो पेन ड्राइव बख्शी सर को ही दीजिए। हम कल सुबह आपको बख्शी सर के ऑफिस में मिलते हैं। बख्शी सर को वो पेन ड्राइव सौंपने के बाद आगे जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो हमारी आमी संभालेगी। अनुभव, ये पेन ड्राइव हम बख्शी सर को भी तभी देंगे जब असली देशद्रोही पकड़ा जाएगा। हम जानना चाहते हैं कि ये कौन है, ये देशद्रोही जिसने इतना बड़ा खेल रचा, जिसने हमें मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से हम बेघर हो गए, हम पता नहीं कब से एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। वो शख्स जिसकी वजह से हमने अपनी ही आंखों के सामने अपनी मौत पर अपने सबसे करीबी लोगों को इतना तड़पते हुए देखा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, हम कुछ कह नहीं पा रहे थे, हम नहीं बता पा रहे थे कि हम ही हैं हसीना मलिक। पर अब और नहीं, हमें जानना है कि ये शख्स कौन है। हम इससे हर एक दर्द का हिसाब लेंगे और उसे उसके किए की सजा दे कर रहेंगे, वो भी अपने हाथों से। हमें पूरा विश्वास है कि वो दिन जल्द ही आएगा, और आशा करते हैं हसीना जी कि आपने हमें क्षमा कर दिया होगा। दोष कश्ती का नहीं अनुभव, तूफान का है। जब भी आया है कमबख्त, बे आवाज ही आया है। चलते हैं हसीना जी। जी लॉकेट, दोनों जगह लॉकेट, चक्कर का है? आखिर साजन की फोटो का क्या मतलब है इस लॉकेट के साथ? लेना देना क्या है साजन का इन सब से? अभी तो फोन जा रहा था, बॉस है। क्या गोभी के पकोड़े, खुशबू निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और खुशबू सूंघकर भीड़ भी तो आएगी है? और भीड़ आएगी तो पकोड़े भी खाएगी। और क्या माँ पकोड़े अपने बच्चों को अपने हाथों से नहीं खिलाएगी? नहीं खिलाएगी।
क्योंकि आज हम पकौड़े सिर्फ हमारे लिए लेकर आए हैं। वो जो तुम्हारी लाडली है ना, हमारी चुड़ैल बहुरानी, वो लाई है भर भर के पकौड़े। जा उसके डब्बे से जा। वो नहीं देगी। हाँ तो खिला देंगे हम पकौड़े। हमारा आपकी तरह छोटा दिल नहीं है, हम खिला के खाने में विश्वास रखते हैं। आइए सबको खिलाते हैं गर्मा गर्म करारे करारे पकौड़े। आइए खोलिए खोलिए डब्बा खोलिए। हाँ हाँ हम गलती से ना वो खाली वाला टिफिन उठा लाए। इधर से भी गए उधर से भी गए। ऐसे कैसे गए? लाइए पुष्पा जी के टिफिन से खिलाते हैं गर्मा गर्म करारे करारे पकौड़े। खबरदार खबरदार कोई एक कदम भी आगे बढ़ाए किसी ने तो। हाँ चेता रहे सबको देख रही हैं। क्या खबरदार हमने बनाए हैं भैया पकोड़े लदी। अरे कहाँ आपने बनाए, हमने बनवाए हैं वो भी लल्ला की कसम देकर। आज तो हम आपके टिफिन से ही खाएंगे पकोड़े। चलो पकोड़े खाते हैं। चूहा बिना पकौड़ा तो खोलते हुए तेल में डाल के तल देंगे तुमको बाबू। खाओ। सुनिए कोई कंप्लेंट लिखाने आया है। जी कहिए क्या मदद कर सकते हैं आपकी। जाने दीजिए। ठीक है हम एक दो पकौड़े बांट के खा लेंगे तो कौन सा सल्तनत बिगड़ जाएगा। पुष्पा मैडम मेरे हम सब खाएंगे हम सब खाएंगे हम खाएंगे पकौड़े हम खाएंगे बांट के खाएंगे। देखो फिर से कोई आ गया। जी भाई साहब आपको क्या दिक्कत हो गया? हाँ कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए हम उसका हल निकालेंगे। रहने दीजिए आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। आप थाने में आए हैं। थाना बना ही इसलिए कि आम आदमी का हम मदद कर सके। हम यहाँ बैठे ही आप लोगों की मदद करने के लिए हैं। सर जी सुनिए हमारा बात सुनिए। सर जी जब तक आप हम लोग को अपने दिक्कत के बारे में बताएंगे नहीं हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश भी कैसे करेंगे। आप एकदम इत्मीनान में रहिए घबराइए मत। आइए सर बैठिए बैठिए। मैडम मेरा नाम सागर पांडे है। पिछले 30 साल से FF के बैंक में काम कर रहा हूँ। हमारे बैंक के अकाउंट से 20 लाख रुपए गायब हो गए। आपको क्या लगता है कहाँ गए होंगे आपके 20 लाख पकोड़े? रुपए? हाँ हाँ रुपए हम वो ऐसे आ रहे आएंगी ना ऐसे ठूस ठूस के पकोड़े खाएंगी तो पकोड़ा ही फूटेगा ना हर जगह से। या तो खा लीजिए या बतिया लीजिए दोनों में से एक काम कीजिए। सर जी आप एकदम बेफिक्र होके बताइए कि कौन निकाला कौन गायब किया आपका पैसा। यहाँ पर पकड़ के लाएंगे उसको इतना मारेंगे 20 लात मारेंगे सारा पैसा आपको वापिस करेगा। कौन है चोरू? मैं। लॉकेट कहाँ है? कौन सा लॉकेट? अरे यार बस करना यार कितना मारेंगे यार। देख बहू देख तुम बहुत गलती कर रहे। अरे यार वो 250-300 से ज्यादा कीमत नहीं होगी उसकी यार। तू भी क्या चिंदी आइटम यार। अरे यार ये रुकता ही नहीं यार। लॉकेट कहाँ है? देख भाव वो लॉकेट मेरे उर्मी का है। अपुन नहीं देगा तेरे को कसम से। तेरे को जो करने ना तू कर अपुन नहीं देगा। बहुत ज्यादा तो नहीं बचा है पर जितना भी सांस बचा है ना तुम्हारा ले लो अपनी जिंदगी का। हम यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ तक पहुँच गए तो तुम्हारे पास भी बहुत जल्दी पहुँचेंगे। ध्यान रखना हमारी बात को। हार्ड डिस्क को हासिल करना है। हसीना मलिक को जान से मारना है। हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। हसीना मलिक को खत्म कर दो। हो जाएगा कैप्टन। अनुभव सोनाली हम अपनी असली पहचान जाहिर नहीं कर सकते इसलिए हमें इसी तरह अपनी आवाज बदल कर साजन से बात करते रहना होगा। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तूने नहीं बताया कि लॉकेट कहाँ है तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। एक दो ये देखिए मेरा आईडी कार्ड। हाँ सेम ही
मैं पिछले 30 वर्षों से बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ बैंक में काम कर रहा हूँ। इन 30 वर्षों में आज तक एक रुपये की भी कोई लापरवाही या गैर जिम्मेदारी नहीं हुई मुझसे, पर दो दिन पहले जो हुआ उसने मेरे 30 साल की बेदाग सर्विस पर ग्रहण लगा दिया। क्या हुआ दो दिन पहले? मुझसे गलती से इंटरनल ट्रांजेक्शन करते वक्त बैंक के पैसे एक कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। वो 20 लाख? Oh my God, मैंने आपके बैंक में अकाउंट क्यों नहीं खुलवाया? बेटे बेटे 5-6 लाख ऐसे ही मिल जाते मुझे, अभी खुलवाऊं। मिले माँ, तो फिर आगे? जैसे ये बात मेरी नॉलेज में आई मैंने उस कस्टमर को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। और फिर मैंने जब उसके अकाउंट डिटेल्स चेक किए तो मेरे होश उड़ गए। उस अकाउंट होल्डर ने पैसे ट्रांसफर होने के 24 घंटे के अंदर ही अलग अलग ब्रांच से सारे पैसे विड्रॉ कर लिए। मैं उस अकाउंट होल्डर के घर पहुंचा, उसे सारी बात समझाकर अपनी गलती की माफी मांगी और गलती से ट्रांसफर हुए पैसे वापस देने को कहा। तो क्या बोला वो? वो साफ मुकर गए, बोला उसके पास अब कोई पैसे नहीं है, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ। मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, अपने बैंक को ये बात बता नहीं सकता, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के इल्जाम में मेरी नौकरी चली जाएगी और पुलिस में कंप्लेंट की तो बैंक को पता चल जाएगा, मेरी 30 साल की नौकरी पर गैर जिम्मेदारी का दाग लग जाएगा और ये दाग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई यार, तो मैं नहीं करवा सकता, लेकिन इससे पहले कि मेरे बैंक को पता चले मुझे पैसे दिलवा दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप हाथ पैर मत जोड़िए। देखिए, आपसे गलत तो हुआ है ये बात 16 आने से, लेकिन उस इंसान जिसके अकाउंट में पैसा गया है वो भी सही नहीं कर रहा है। आप ऐसे किसी के पैसे पे, किसी की मेहनत की जमा पूंजी पर ऐसा कुंडली मार के नहीं बैठ सकते भैया। ये गलत है, वो गलत कर रहा है, इसलिए हम आपका मदद करेंगे। मैडम जी, लेकिन मेरा ये बात है कि हम लोग कैसे इनका मदद कर पाएंगे, ना किसी लीगल कंप्लेन की, हम लोग क्या कर पाएंगे मैडम? अब हम एक तकनीकी अड़चन की वजह से इनका मदद ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। ऑफिशियली नहीं कर पाएंगे तो अनऑफिशियली करेंगे, लेकिन इनका पैसा इनको वापस जरूर दिलवाएंगे। नाम क्या है उस अकाउंट होल्डर का? गोपाल दास। महादेव शिव शंभव भोलेनाथ। शिव शंभव, शिव शंभव, शिव शंभव। हाँ जी, आपका पूजा पाठ हो गया? हाँ, अभी के लिए तो हो गया, अब संध्या पूजन बाकी है। जी, संध्या पूजा से पहले जो हम बात आपसे करने आए हैं वो कर ले। अरे प्रिय, अरे भाई जरा कुर्सी वर्सी ला कर दो, बैठ के विस्तार से बात करते हैं। हाँ। नमस्ते। आपका बैंक है FFK बैंक, प्रेम नगर ब्रांच। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये आपका ही बैंक है, ध्यान से देखिएगा। जी तो मेरा ही है। तो आपके इसी अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर हुए तो आपको पता ही होगा ना? हाँ हाँ, इतनी बड़ी रकम का मामला है तो पता कैसे नहीं होगा। 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में? हाँ देवी। उठिए। हाँ प्राण प्रिय, कहाँ से आए इतने सारे पैसे? सब प्रभु की लीला है, वो जो ना दे वो थोड़ा है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में? अब इसमें बताने वाली कौन सी और इसमें बताने नहीं वाली बात कौन सी है? अम्मा देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए आए हैं और वो आए हैं गलती से, और जिसके आए हैं वो उसी बैंक में काम करते हैं और काफी सीनियर मुलाजिम है, तो ये गलती हुआ है। कैसी बात कर रही मैडम, ये बताइए, मैंने तो कोई चोरी अपराध नहीं किया, कोई ठगा किसी से बेईमानी नहीं की, ये पैसे मेरे अकाउंट में अपने आप आए और जो अपने आप आता है वो सिर्फ भगवान का आशीर्वाद होता है। तुम्हारी अच्छा 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 क्या हम बात करते हैं, हम बात। देखिए भाई साहब, क्या है ना, ये बहुत गलत बात है, वो पैसे आपके नहीं है, वो किसी और के पैसे हैं और उन पैसों को आप अपने पास ऐसे नहीं रख सकते। एक अच्छे नागरिक का धर्म निभाइए, वो पैसे बैंक को वापस लौटा दीजिए। लेकिन मैडम, जो चीज मेरे पास है नहीं वो मैं कैसे लौटा सकता हूँ? उठिए। हाँ प्रिय। क्या मतलब है नहीं है पैसे, कहाँ गए इतने सारे पैसे? शांत प्रिय शांत, भगवान का धन था, सब भगवान के कार में लगा दिए, सारा का सारा धन दान दे दिया। हे भगवान, 20 लाख रुपए कौन दान में देता है? देखो, लालच बहुत बुरी बरा है, कभी भी पराया धन अपने पास नहीं रखना चाहिए था, जहाँ का धन था वहाँ चला गया। अम्मा बस बहुत हो गया आपका प्रपंच, ठीक है, समझ रहे आप हमारी बात को,
आपको क्या लग रहा है आप आपके लालच पे जो है वो भक्ति का स्टिकर चिपका देंगे और हमको मक्कारी का लॉलीपॉप खिला देंगे हाँ और हम खा भी लेंगे? ये जो आपके जैसे जो मक्कार लोग है ना रोज देखते हैं हम, हमारा धंधा ही यही है समझ गए? तो ऐसा पैसे आप लौटा दीजिए। मैंने बोला ना सारे पैसे मैंने दान में दे दिए, अब ये कंगाल आदमी कहाँ से पैसे दे? और निकम्मे भी प्राण प्रिय आप थोड़ा शांत हो जाइए। क्या है ना ये ना पूरी तैयारी करके बैठा है, उसको पता है कि पुलिस तो आएगी तो क्या जवाब देना है। फिलहाल अभी उसका हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हम चले जाते हैं थाना जाके सोचते हैं आगे क्या करना है। अरे हमारी बात मानिए, चलिए शांत। हाँ ठीक है चलिए। देखिए भाई साहब फिलहाल तो हम निकल रहे हैं मगर दोबारा जरूर आएंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। एक अभी बताइए इतने सारे पैसे अपने क्या किया इतने सारे पैसों के साथ? अरे भगवान हाथ में आए लक्ष्मी को ऐसे कौन टुकराता है? अरे प्राण प्रिय बिल्कुल निर्बुद्धि हो तुम। क्या तुमने क्या मुझे इतना बड़ा पागल समझ रखा है कि आई हुई लक्ष्मी को मैं ऐसे ही जाने दूंगा? अरे तो मैं इन पुलिस वालियों से बचने के लिए स्वांग रच रहा था, अपना पैसा एकदम सुरक्षित है और अच्छे से अपनी हिफाजत में। हाँ सीना जी बोलिए। बाय एनी चांस साजन आपके साथ है क्या? मेरे साथ? नहीं मेरे साथ क्यों होगा? नहीं दरअसल हमें कहीं से पता चला कि आप दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई है, आप साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, ड्रिंक्स विंग्स भी लेने लगे हैं साथ में, तो इसलिए बस हमें लगा कि शायद। एक्चुअली दरअसल बात यह है कि साजन बेकार में ही इस सबके बीच फंस गया है, वो बहुत इनोसेंट है, उसे उसका इस सबसे कुछ भी लेना देना नहीं, और उसके लिए हम अब भी उर्मिला महादेव माथरे ही हैं। हमें बस डर है कि हमारे इस प्रपंच के चक्कर में उसे कहीं कुछ हो ना जाए। आप खामखा चिंता कर रही हैं हसीना जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चा थोड़ी है जो घूम जाएगा खो जाएगा या कोई उसे दबोच कर चला जाएगा, कहीं गया होगा घूमने आ जाएगा वापस। आप इस विषय पर इतना परेशान मत होइए। अच्छा सुनिए ना, अभी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, हम आपसे बाद में बात करते हैं ठीक है? ठीक। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एक मिनट में हजार हजार फोन करने वाला साजन पिछले इतने घंटों से बिना किसी कांटेक्ट के गायब है, ये नॉर्मल तो नहीं है। हमें साजन के घर जाकर पता लगाना होगा। आ गया तू? देख देख मेरे को छोड़ मेरे को, तेरे को बता रहा है मेरे पास कुछ नहीं है यार। ए भाऊ किधर है तू यार? पहले ये बता वो लॉकेट कहाँ है? अरे गलत आदमी को पकड़ के लेके आया तू, अपन के पास कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए। मैंने पूछा वो लॉकेट कहाँ है? अरे क्या लॉकेट लॉकेट यार, कब से एक ही सवाल कर रहे तू और अपन भी एक ही जवाब दे रहे है, अपन नहीं देगा तेरे को। 250 की चीज के लिए इतनी मगजमारी कर रहे है? अरे उससे ज्यादा तो मेरे पॉकेट में 1270 रुपए, वो निकाल यार और मेरे को जाने दे भाऊ। अरे भाऊ बोला है तेरे को, भाऊ मतलब मालूम है ना? बताता है या नहीं? बताता हूँ मेरे बाप। ये कहाँ है? ये अलमारी में, बता। हाँ फिर अंदर। साजन साजन हसीना मलिक ये क्या कर रही है यहाँ?
साजन का सारा सामान तो यही है, फिर वो जा कहां सकते हैं? ड्राइव मिल गई है, अब इस राज से जुड़े हर सबूत, हर गवाह को खत्म होना चाहिए। साजन, रुको! उर्मी, उर्मी छोड़ना नहीं इसको। ये तो नकली गन है। करिश्मा सिंह ने हमसे असली गन ले ली थी और कहा था कि ये नकली गन रखो। ये वर्क करेगा? हाँ? नहीं। कैसा इंसान है ये गोपाल दास? 20 लाख रुपए दबा के बैठा है और ऊपर से कंगाल दिखा रहा है। बिलो जी, आप चोर हो ना? था चोर। हाँ, मतलब आप चोर थे ना? हाँ। तो आप वो गोपाल दास के घर पे जाओ और वो 20 लाख वापस ले लो। लोग पुलिस के पास चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आते हैं और ये खुद चोरी करने के लिए बोल रही है। ये हमारी पुलिस। बस ना यार, बस ना, जब मुंह खोलेगा गोबर फेंकेगा तुम। क्या गलत बोल दी है, है? चोर के घर में चोरी करना अपराध नहीं होता है रे सियाह रात के पिसाच। चोरी का माल चोरी करके वापस लाने को बोला जा रहा है बाबू। ये सब करके ना तुमको पुण्य करने का मौका दिया जा रहा है। पापी इंसान कहीं कहीं भी मौका ठुकरा रहा है। ये पुण्य है तो? नहीं नहीं, ये जो गोपाल दास है ना, बहुत ही चालाक आदमी है। उसने सारा पैसा घर में थोड़ी ना रखा होगा, कहीं सुरक्षित जगह संभाल के रखा होगा ना। अब उसे पकड़ कर उसका मुंह तो नहीं खुलवा सकते ना हम। अब भगवान ही समझाए तो समझे। आइडिया। नहीं नहीं नहीं, इस बार जो आइडिया आया वो काम करेगा भैया। अच्छा? हाँ। क्या? अब उसको ना भगवान ही समझाएगा। हैं? हमको जो भी सूझा है ना, उस हिसाब से गोपाल दास को अब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही समझाएगा। कैसे? वो ऐसे कि हुआ जो उर्मी टाइम पे आ गए मालूम। ये तो अक्खा लाइव फूल बेचने वाले इस साजन के खुद के बॉडी पे ही फूल चढ़ गए होते। तुमको किसने कहा था अकेले जाने के लिए? हमको काहे नहीं बताया? अगर तुमको अभी कुछ हो जाता तो अल्ले मिली तक जानी। पूछ नहीं होता मेरे को। कोने में उर्मिला महादेव मात्री, हो गया ना सब हैंडल, काहे को टेंशन। अच्छा, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है।
उर्मी के लॉकेट के लिए मेरे को क्या कोई किडनैप किया? मतलब कोई 250 रुपए के लॉकेट के लिए इतना राड़ा करेगा ये? एक मिनट, उर्मी के लॉकेट के लिए? अरे जब से मेरे को उठा के लेके गया ना, ठोक ठोक के मेरे को एक ही सवाल कर रहा था, लॉकेट किधर है, लॉकेट किधर है? अपन ने भी बोल दिया, देख भाऊ अपन नहीं बताएगा। अरे वो तो अपन के प्यार की निशानी है। लॉकेट किधर है? उर्मी के पास है। लॉकेट किधर है? वो गिर गया। कहाँ गिर गया? वो ऐसे ही उधर भागते भागते लॉकेट गिर गया मेरे से। नहीं मतलब कुछ तो याद आ रहा होगा ना कि लॉकेट कहाँ भाग रहे थे। नहीं मैं याद कर रही है, मैं मेरे को नहीं देख एक झटक चलनी। तुम कटो कटो। अरे जाना जा रहे ले। क्या कहा था तुमने हमको? क्या कहा था तुमने हमको कि तुमको ये लॉकेट तुम्हारे किसी मुंह बोले भाई ने दिया है? ये पेन ड्राइव है और तुम्हें पता है इसके अंदर कितना गंभीर जानकारी है, तुम सोच भी नहीं सकती हो। अब तुम ना हमको सच बताओगी कि ये तुमको किसने दिया था? तो ठीक है अभी सुन, वो जो तेरा भाई है ना, वो हीरो अनुभव, वो मेरे को लेकर गया था एक बैंक में हसीन दिलरुबा के अकाउंट को साफ करने के लिए। एक मिनट, हमारे अनु भैया वो तुमको काहे लेकर जाएंगे वहां पे? मेरे को क्या मालूम, वो जो भी है वो उसमें से जो भी सामान निकला उसमें से ये जो लॉकेट था ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगा कि मैं पहन के क्या मस्त लगेगी, एक नंबर, तो मैंने ढाप लिया। और तभी मेरे को लगा कि मैं तेरे को बताएगी तो तू और ज्यादा भड़केगी, इसलिए। तुम्हारा क्या दिमाग बिल्कुल बौरा गया है क्या? हाँ ये तुमको ये मजाक का चीज लगा, अच्छा लग गया तो रख लिया तुमने? कितना ये हाई सेंसिटिव चीज है ये तुम रख भी कैसे सकती हो अपने पास? तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ? अगर ये हमें पहले मिला होता ना उर्मिला, तो तुम्हारा टिकट कट चुका होता। कब का? मुंबई का? परलोक का? चल बुद्धी करके लगा। तुम्हारा चेहरा मैडम सर से नहीं मिलता होता ना तो इतना कंटाप लगाते ना आज तुमको, इतना कंटाप लगाते कि तुम्हारा सारा चूरन गिरी हम निकाल देते हैं। एक तरफ करिश्मा सिंह है जो हमारे हथियारों तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और दूसरी तरफ हम जो उन्हें सच में नहीं बता सकते कि हम ही हैं उनकी मैडम सर। लेकिन करिश्मा सिंह, आपने जिस तरीके से हमारी गैर मौजूदगी में थाने को संभाला है उसके लिए हमें आप पर फक्र है। अरे रे, चोरी करने आया है यहाँ पर कि डिनर पर तुमको बुलाया है? लोग घंटी बजा रहा है। प्रणाम कर रहा हूँ, क्या रखना है? ये अभी तक लिया नहीं, स्पाई चोर है तुम। ओ, काली कुमकुम की डिब्बी। स्पीकर है। इसी को करिश्मा मैडम ने हमें यहाँ घर पे प्लान करने भेजा है। स्पीकर है। पिन 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 दीजिए संतोष जी। ले। थैंक यू चिते। मुझे साथ लेके जाना। हाँ। अकेले मत जाना। जाओ ना, जाओ जाओ। बिलोटे, अगर तुम पकड़ा गया ना बाबू, कसम से चारों टांग फाड़ देंगे तुम्हारा हम। चुपचाप मंदिर में स्पीकर रखो और बाहर आओ। अबे निकल ली, लगता है कोई है। कोई है? कौन कौन? पता नहीं, चलो जाके देखते हैं। चलो तुम चलो। कोई आ रहा है।
कुछ आ गया संतोष जी। सुनिए ना, हाँ। कुछ आवाज देख कहा है, लाइट ऑन कर। हाँ हाँ लाइट ऑन। चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ। नहीं 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 नहीं। ओ बहुत टाइट है। क्या हवा टाइट है? अरे पैंट टाइट है, इसकी पैंट मुझे नहीं आ रही है। क्या चल रहा है अंदर? ही कवर करो। क्या भाई क्या चल रहा है अंदर? गुफ्तगू। और ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं? गुप्तगु। चुप करो, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। नहीं माँ। तुम दोनों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जय हिंद मैडम। जय हिंद। जब देखो यहाँ बिल्लू के साथ आके मस्ती करते रहते हो, बताओ। बाहर निकलो यहाँ से। नहीं नहीं इनको रहने दो। ये दोनों कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। कंटाप लगाएंगे ना खींच के, टिप्पा खा के बाहर गिरोगे, समझे तुम? और तुम दोनों निकलते हो या बनाए रॉकेट अभी के अभी? रॉकेट बहुत दर्द है। नहीं 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 बिल्लू। खड़े हो? नहीं। खड़े हो? अरे क्या कर रही हैं आप? नीचे पैंट नहीं उसकी। वो मेरे सारे कपड़े नीचे के कपड़े हैं वो धुलने के लिए गए हैं। एक्चुअली मैं ट्रैक सूट पहन के गया था, वो ट्रैक पे ही रह गया। तो कैसी रहोगे पूरा दिन? नहीं नहीं घूमूंगा ना, देखो। क्या करता रहता है ये? मैडम। अरे बाल बनाएंगे? हाँ हाँ मैडम। जी बताइए। मैडम वो गोपाल दास राजी हो गया बैंक का पैसा देने के लिए। मैडम कल ऑडिट का आखिरी तारीख है, बैंक मैनेजर सारे अकाउंट्स को रीचेक करने वाला है और कल तक 20 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी गलती की वजह से गोपाल दास नाम के किसी व्यक्ति के अकाउंट में 20 लाख रुपया ट्रांसफर हो गए। उसके बाद मैं कहीं का नहीं रहूंगा मैडम। हमको बहुत ज्यादा इसे घबराहट हो रहा है संतु जी। सोचिए ना, सोचिए रहे घोर कलयुग में इंसान को इंसान बनने में इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। करिश्मा मैडम हमको भगवान बनने के लिए बोली है। क्यों डर रहा है तू इतना? मैं हूं ना तेरे साथ। काम कर। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो संतु, सुनो क्या हुआ, वो पूजा करने के लिए आया कि नहीं आया? अभी तक तो हाँ, तो बस शुरू हो जाओ। चलिए रेडी है। भोलेनाथ, बचपन से आज तक मैं तुम्हारी आराधना करता रहा। इन जमाने वालों ने कितने मुझे ताने दिए कि भक्ति अक्ति करने से कुछ नहीं होता, कर्म कर कर्म। मैंने कहा यही तो मेरा कर्म है, तुम्हारी सेवा करना, तुम्हारा पूजा पाठ करना। जैसे प्रभु आज तक मैंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, तुम्हारे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी, फिर विश्वास की लाज रखी, मेरी झोली में एक साथ मुस्त 20 लाख रुपए डाल दिए। प्रभु बस एक कृपा और कर दो, कृपा निधान, एक संतान सुख की प्राप्ति दे दो, एक औलाद सुख दे दो प्रभु। जीवन भर तुम्हारे चरण धो के पीऊंगा प्रभु। यह असंभव है। कौन बोला? कौन बोला? ये कौन है? कौन है भाई? तुमने हमें नहीं पहचाना वत्स, ये हम स्वयं हैं, देवों के देव महादेव। महादेव आप बोल रहे हैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं वत्स, ये तुम्हारा सपना नहीं, ये तुम्हारे तपस्या का परिणाम है। हम स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गए हैं, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर। प्रभु जब आप मुझसे इतना ही प्रसन्न है, इतना अत्यधिक प्रसन्न होने के बाद
आखिर मुझे संतान सुख की प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रहे प्रभु? असंभव, अब ये असंभव है। पर क्यों प्रभु, क्यों असंभव है? कि एक वक्त पे एक ही महाइच्छा का द्वार खुल सकता है। तुमने संपत्ति मांगी, हमने संपत्ति दिया। तुमने अगर संतान मांगी होती तो हम संतान दे दिए होते। प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता है? हो सकता है, अगर तुम पहला वरदान वापस कर दो और जो धन तुम्हें जहां से मिला था उसको वहीं वापस रख के आ जाओ तो दूसरे महाइच्छा का दरवाजा खुल जाएगा और फिर चुनाव तुम्हें करना होगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, संतान या संपत्ति? बोलो वत्स। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, संतान या संपत्ति? बोलो वत्स। प्रभु दोनों नहीं मिल सकते? लोभी मनुष्य, दुष्ट प्राणी, हमने कहा ना एक वक्त पे कोई एक ही महाइच्छा पूर्ण की जा सकती है, संतान या संपत्ति? विलंब ना करो और बोलो कि क्या चाहे। सोचने के लिए वक्त चाहिए प्रभु। सोचने के लिए क्या वक्त चाहिए? हमें बीवी से पूछना होगा ना। कैसे आप? पता नहीं डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब जा सकता हूँ ना? देखिए इंजरी काफी सीरियस है, ड्रेसिंग कर दिया लेकिन फिर भी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आप रेस्ट कीजिए, जैसे भी कंडीशन होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हेलो अनुभव, हम आपसे मिल सकते हैं क्या? दरअसल आप जानते ही होंगे कि साजन किडनैप हो गया था, हमने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया है। इनफैक्ट हमने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हाथ से निकल गया। लेकिन हाँ, हमने उसे गोली जरूर मारी है और हम उसे ढूंढ कर रहेंगे चाहे वो जहन्नुम में भी क्यों ना हो। I'm sorry, एक्चुअली हम बहुत स्ट्रेस में हैं इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। अभी मिलना असंभव है हसीना जी, हम कुछ काम में उलझे हुए हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही हम फ्री होंगे सबसे पहले आपसे ही मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। सुनिए, आई लव यू। आई लव यू टू हसीना जी। एक बार हम ठीक हो जाए हसीना मलिक, फिर देखते हैं कौन बचाता है आपको हमसे। आपकी मौत तो अब निश्चित है, वो भी हमारे हाथों। सुन, अब ये रिक्शा वाला तेरे को डायरेक्ट स्टेशन लेके जाएगा, स्टेशन से 9:30 की ट्रेन है, उसमें बैठ के जाने का सीधा मुंबई। कर लगा साला, निगा। उर्मी, अपन तेरे से बहुत प्यार करता है। मैं इधर कौन है अभी? मैं इधर पुलिस वाली बन के घूम रही है ना, और ये जो पुलिस वाली उसकी जिंदगी में इतने राड़े की मैं काय सांगू आता तुला। तू निकल, मैं इधर का सब कुछ निपटा के मैं भी मुंबई आएगी, फिर उधर मेरे वड़ा पाव की रेकड़ी पे तू फूल लेके आना मेरे लिए, ठीक है? हाँ। उर्मी, साजन जिसने तेरे को एक बार किडनैप किया वो दोबारा भी कुछ कोशिश कर सकता है ना? एक बात बतानी थी मेरे को। तू मुंबई जाके मेरे को फोन पे बताना, चल अभी निकल। नहीं नहीं सुन ना, वो किडनैपर जिसने मुझे उठाया था, हाँ? मुझे लगता है वो डीएसपी अनुभव था। मतलब मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि ना वो हर टाइम मास्क लगाता था, लेकिन मेरे को पक्का डाउट है कि वो ही था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक मैं इधर हूँ तो उसको भाव नहीं देगी, ये सोच के उसने मेरे को अगवा किया होगा मेरे को रास्ते से हटाने के लिए। देख साजन, इतना लोड नहीं लेने का, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे पास एक लॉकेट था जो मैंने तेरे को दिया था, वो उस लॉकेट के पीछे था। तू वो लॉकेट नहीं दे रहा था इसके लिए इतना कूट दिया तेरे को उसने, कर ला का? हाँ ये भी बराबर है। उर्मी तू मेरे से प्यार करती है ना? मैं तेरे प्यार की बहुत कदर करती है साजन,
और एक चीज हमेशा याद रखने का, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उर्मिला का बेस्ट फ्रेंड कौन? साजन। और तू मेरे लिए इतना दूर आया मेरे को सपोर्ट करने को, उसके लिए थैंक यू। क्या उर्मी तू भी दोस्त बोलती है और थैंक यू भी बोलती है। ठीक है अपन चलता है अभी, लेकिन तेरे को मालूम है अपन कितना ठेठ आशिक है। चल चल निकल, अभी ट्रेन निकल जाएगी तेरी। चल बाहर निकलते हैं। चल चल टाटा। ए उर्मी आई लव यू। अनुभव मैडम गोपाल की वाइफ आ गई। हाँ तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है। बहुत गर्मी है बाबा। अरे भगवान भगवान भगवान। अरे अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, लग रहा तुम्हें उठा दूँ। अरे छोड़ो बच्चों जैसे काम कर रहे हो। अरे बच्चों जैसी बात, मैं बच्चों जैसी बात नहीं, अब तो तुम्हारी गोद में बच्चे खेलेंगे, गजब हो गया, चमत्कार हो गया। क्या बोल रहे हो? अरे भगवान तुम्हें कैसे बताऊं, आज भोलेनाथ ने स्वयं मुझे दर्शन दिए, मतलब मुझसे बात की, लेकिन ऐसा लगा जैसे साक्षात दर्शन होगा भोलेनाथ के। इधर तबीयत ठीक है? अरे मुझे मालूम था तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन सब प्रभु की लीला है। आज स्वयं भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया और कहा कि मैं बाप बनूंगा। क्या? हाँ मतलब हम दोनों माँ बाप बनेंगे और हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ भोलेनाथ। ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो संतान आने की टाइमिंग भी बहुत सही है, अभी हमारे पास पैसे भी है और बच्चे भी। हमारी तो निकल पड़ी। बस यही पर है पेज, तुम और तुम्हारी पेज। क्या है अब? भोलेनाथ ने ये शर्त रखी है कि हमें एक समय पे एक ही वरदान मिलेगा, इसलिए जो पैसा हमें मिला है ना वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा, तभी जाके हमें संतान सुख की प्राप्ति मिलेगी। क्या बकवास करे जा रहे हो? तुम्हें अगर दिन में सपना देखना है तो तुम खुद देख लो, मुझे नहीं देखना। मेरे पास जो पैसे आया मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। लेकिन शिव जी। और सुनो, संतान अगर हुई भी तो उसे पालने के लिए पैसे नहीं चाहिए, वो कहां से आएगा? और आपको संतान ना मैंने देने वाली हूँ और कोई नहीं, इसलिए जो भी देखा है वो सब कुछ भूल जाओ और हकीकत में जीना सीखो। लल्लू के लल्लू ही रहोगे, भगवान ने बोला है ये बोला है वो बोला है, कुछ भी बोले जाते हो। ऐसी औरत है, भगवान की बात भी नहीं मान रही है। हाँ, ये भी कहां आपकी बात मानती है। अब पता नहीं अपन। क्या बोलती पब्लिक? अरे क्या हुआ, सीनियर को देख के सैल्यूट बिल्यूट मारने का ना? आज बहुत मूड खराब है सबका, इसलिए भेजा मत खराब करो अभी हमारा। अरे काय के लिए मूड खराब करते तुम लोग? नो फियर उर्मी इज हियर। ये देखो तुम लोग का मूड मस्त टकाटक करने के लिए मैं क्या लेकर आई, गर्मा गर्म उर्मी स्पेशल वड़ा पाव, मैं खुद बना के लाया अपने हाथ से। चलो खाते फट फट सब गर्मा गर्म। ए चटक सानी आना खाना, मैंने बनाया अपने हाथों से। सुनो ऐसा दिमाग का दही मत करो, सबका मूड खराब है यहाँ पे, समझ जाओ बात को। क्या केस में कोई लोचा हुआ है क्या, बताओ मेरे को। सुनिए ना, अगर ये इतना पूछ रही तो बता दीजिए ना, क्या होता ना कभी कभी दो लोगों की उलझन तीसरा बहुत अच्छे से समझता है, हो सकता है इससे कोई नई दिशा मिल जाए हमें ये केस सुलझाने की। अच्छा ठीक है, देखो मेरे को मालूम है कि ये वही वाला केस है ना, वो भगवान के भक्त वाला जो वो बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहा है। अरे उसके लिए इतना क्या टेंशन ले रहे हो तुम लोग, जाके उठा के लाते उसको, दो कान के नीचे बैठाएंगे, सब पैसा निकालेगा बाहर। तुमको लगता है ये काम तुम हमसे अच्छा कर लोगी? हम ऐसा कान के नीचे कंटाप लगाएंगे ना उसको, सबसे पहले तो वो पैसा ट्रांसफर करेगा, उसके बाद मिलेगा वो हॉस्पिटल में और एक ही बात बोल रहा होगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम साना देखा। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारे ऊपर मैडम सर का जिम्मेवारी है, ठीक है? तो हमें सब चीजें ध्यान रख के करनी है और हम ऐसा किसी को नहीं करने देंगे यहाँ पे।
और उर्मिला जी प्रॉब्लम ये है कि उनके खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं है, तो अगर उन्हें टच भी किया तो हो सकता है वो उल्टा केस हम पे कर दे। इस बात पे तो एक ही तरीके से केस हल हो सकता है कि भैया वो खुद जो है अपनी मर्जी से अपने दिल से सारे पैसे उसको वापस लौटा दे पांडे को। पर मैडम ये तो असंभव है ना, ना मतलब जिसकी पत्नी भगवान तक का बात मानने से इनकार कर दी वो खुद के स्वेच्छा से अपने पति को कैसे बोल देगी तुम पैसा वापस करके आओ, और वो भी तो गजब का पति है ना, अपने पत्नी के विरुद्ध जा ही नहीं सकता, फिर तो असंभव है ना मैडम। जाएगी भी कैसे ना, मतलब पत्नी ही संतान सुख देगी तो पत्नी की ही बात मानेगा वो। मानेगा, अब वो अपनी बीवी की नहीं हमारी बात मानेगा। ओ बत्ती जली, आइडिया। चुप करो। अब कैसे? अब उसकी संतान लेकर आएगी मैं। बस पगला गई हो तुम, उसे संतान देने के लिए तुम उससे शादी करोगी? नहीं, आपको पता है कितना टाइम लगता है? पहले उनको अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना पड़ेगा, उसमें 6 महीने लगेंगे, उसके बाद वो आपसे शादी करेंगे। हाँ, शादी के बाद बच्चा, 9 महीने लगेंगे, उसके बाद बच्चा होगा, अपने पास इतना टाइम नहीं है। ओह, ये मासूमियत है। नहीं रे, शादी विधि कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रेगनेंसी, वो भी 6 मंथ प्रेगनेंट। हाँ कैसे? रुक बताती, ये देख, ये बड़ा, ये वड़ा, हाँ, ये पाव, हाँ, हो गया पाव भारी। चलिए आपको थाने लेकर चलना है। मैडम क्यों? क्यों चलिए? मैं मर्द सब यही जान जाइएगा, थाने वो तो चलिए 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 आप भी चलिए, काम करिए, आइए चलिए चलिए साथ में। अरे फटाफट डिसाइड करो कौन प्रेग्नेंट बनेगा, उर्मिला जी उस गोपाल को लेके आती होगी, उससे पहले हमें डिसाइड करना है कौन प्रेग्नेंट बनेगा। क्या सब लोग हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? अब इस उम्र में हम बनेंगे गर्भवती? इनसे इनसे कहो ना जिनकी सच में उम्र है, आज तक तो हमें दादी बनने का सुख नहीं दे पाई, कम से कम नाटक में ही सही इनको पेट से देखकर हम अपना जी बहला ले। वही हम सोचे कि ये बात अभी तक कैसे नहीं आई, वही एक आने की बात, समझ रहे हमारी बात को बिल्लू तुम? हाँ ना, मतलब अगर हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, हम माँ नहीं बन पा रहे हैं, तो उसमें क्या हमारा अकेले का कसूर है क्या? आपके बेटे का कोई योगदान नहीं है? आपके लल्ला का कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? हवा में आपको दादी बनाते हम? अरे सब पत्नी के हाथ में ही तो होता है, पति बेचारा वही तो करता है जो पत्नी चाहती है। हाँ। और हमें पता है आपको ही माँ नहीं बनना है, क्योंकि आपका ये जो जीरो फिगर है वो खराब हो जाएगा ना। अरे फिगर का जिक्र छोड़ो, ये सोचो प्रेग्नेंट कौन बनेगा। मैं बन जाती पर शादी नहीं होगी ना। संतु नाटक करने के लिए सच में शादीशुदा होने की क्या जरूरत है? हाँ सिंगाड़ी खाओ तू। नहीं पर एक सेकंड, नाटक ही करना तो पुष्पा जी आप नाटक कर लो ना। हम नहीं बनेंगे, हम भी नहीं बनेंगे। हे भगवान, तुमने मुझे औरत क्यों नहीं बनाया? इस थाने के काम तो आता, प्रेग्नेंट तो बन जाता, क्यों क्यों नहीं भगवान क्यों नहीं बनाया मुझे औरत? कह रहे थे ना कुछ, किस लिए हम लोग थाना लेकर आए हैं, वो किस लिए थाना लेकर, ये महिला आपके खिलाफ केस करवाई है, रिपोर्ट लिखवाई है, बात कीजिए इनसे आप। कहाँ है? है कहाँ है महिला? महिला कहाँ है? हम हैं। है तुम्हार प्यार, तुम्हारी झूठी, तुम्हार होने वाली बच्चे की अम्मा। तुम्हार होने वाली बच्चे की अम्मा झुमकी। ये क्या बोल रही है? पता नहीं क्या बोल रही, किसके बच्चे की? तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता हूँ। हम भी नहीं जानते आपको। अरे जब तुम मुझे जानती नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे का बाप कैसे हुआ? ओ ओ आप ही तो है स्वामी। ओ शिव जी आए थे रात को हमारे सपने में और कह रहे थे
की संतान का वरदान देता हूँ और ई बच्चे का बाप गोपाल दास है, यानी कि आप। सुबह उठकर देखे तो हम अपने आप को गर्भवती पाए हैं। अरे बौरा गई है औरत, पता नहीं क्या अनाप सनाप बक रही, मैं इसके बच्चे का बाप नहीं हूँ। अरे ऐसे कैसे, शिवजी ने जब खुद इनके सपने में आकर कहा है अब तो शिवजी भगवान झूठ थोड़ी ना कह सकते, आपके सपने में भी तो आए थे ना। लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इस औरत को छुआ तक नहीं, तो इसके बच्चे का बाप मैं कैसे हो गया। बहुत अच्छा, बेहतरीन गोपाल भैया बेहतरीन। 20 लाख रुपया जो आप कमाए नहीं, लेकिन वही पैसा अगर आपके अकाउंट में आ गया तो वो पैसा जब आपका हो सकता है तो बिना छुआ आप ही बच्चा का बाप कहनी हो सकते हैं। सही बात है। आप है कौन? इनके होने वाले बच्चे की अम्मा बिंदिया उल्फत। से कौन बिंदिया? ये राम, ये तो पुष्पा जी है, सत्यानाश। ई का नाटक है, ई तो ई बच्चे के बाप है। अरे इस बच्चे के बाप ये है गोपाल दास। जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही कौन है बेटा? का प्रमाण है आपके पास कि ई का बाप ई है? अरे तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस बच्चे के बाप ये है? कल रात शिवजी आए थे हमारे सपने में और कहकर गए हैं। हाँ तो हमारे सपने में भी साक्षात शिवजी आए थे और बता के गए कि हम उल्फत हमारे इस बच्चे के बाप ये है, जिल्ले इलाही गोपाल दास और हम बिंदिया है। ये कोई उम्र है का माँ बनने का? अरे हम तो पहले से कह रहे थे मगर किसी ने सुनी नहीं हमारी बात। अब बन गए माँ तो क्या करेंगे? मारे को इंसाफ चाहिए, मारे को इंसाफ चाहिए। देखो गजब हो गया, गजब हो गया है। मारे सपने में शिव जी आए थे, मारे को संतान का वरदान दिया, अगले दिन देखो पेट बाहर। मारे को बोले कि इक्के नाम है थारा गोपाल दास। यही है गोहे, यही है गोहे तारी संतान। गजब के भगत हो यार तुम्हें, गजब के भगत। के हुआ इतना सन्नाटा क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है? इनसे मिलिए, कल रात शिव भगवान इनके सपने में भी आए हैं और सेम वरदान दिए हैं कि आप लोग गोपाल के बच्चे की माँ बन जाइएगा और सुबह होते ही 6-6 महीने की गर्भवती दोनों भी हो गई है। देखिए ये क्या नाटक है, ये बच्चे के बाप तो ये है। नहीं हमारे होने वाले बच्चे के बाप ये है गोपाल दास, जिल्ले इलाही और हम बिंदिया है। संतु तुम और आप कहां से आ गई? अब तो कह रही थी कि इस उम्र में आप माँ बनेंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी, फिर क्या अब तो नहीं मान रही थी, आप बड़ा मान गई। अरे आप तुमसे हमारी बात मानती है जो आज मान लेती, और यहाँ आने से पहले बता नहीं सकती थी आप। अरे हम क्या बताते हैं, हमें मैडम सॉरी लेकिन मुझे कसम से किसी ने बताया था कि ये रोल कोई प्ले कर रहा है, बोल देता तो मैं नहीं आती हूँ। सब मना कर रहे हैं। एक मिनट, ये क्या खुसुर-बुसुर चल रही है, क्या हो रहा है इधर, क्या चल रहा है? हम भी वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी, लेकिन कोई मुझे बताएगा एक ही रात में 3-3 औरतें कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? और 3 नहीं 4। लेकिन कोई मुझे बताएगा एक ही रात में 3-3 औरतें कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? और 3 नहीं 4। अगाएगा का कोणी तारी येड़ा लगा बाहुना घरी पईगा मुझे रात में ना शिव जी सपने में आए और उन्होंने संतान का वरदान दिया और शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके पिताजी का नाम है गोपाल दास। ये बाल गोपाल का है, गोपाल कौन है तुम? अभी नहीं उनके पास जानी कौन हो, उनके बाद जानी कौन हो। अरे बाप रे, यहाँ तो माओ की लाइन लगी है। लगो लगो लाइन में लगो। और देख रहे हैं आप मिस्टर गोपाल दास, आपके कर्मों का फल, अब ये इन चारों संतानों को आपको अपनाना भी होगा और इन चारों औरतों से आपको शादी भी करनी होगी, वो भी अभी के अभी। हाँ। नहीं
इन्हें, लूट मची है यहाँ, कोई भी आ रही है इन्हें अपने बच्चे का बाप बता रही है, क्या चल रहा है, कोई शादी वादी नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे शादी नहीं होगी, दिल्ले हिलाही। अरे अरे क्या हो रहा है सब, मैं नहीं जानता इन औरतों को, कौन इनके बच्चे का बाप है? ये सब भगवान की लीला है, अब तो आपको इन बच्चों को स्वीकार नहीं होगा। अरे जो बच्चे मेरे हैं ही नहीं, मैं उन्हें क्यों स्वीकार करूं? अरे ऐसे कैसे, जब बैंक में पैसे ट्रांसफर हो गए थे गलती से, उन्हें आपने इतनी आसानी से स्वीकार लिया, तो फिर इन संतानों को तो स्वीकार कर ही सकते हैं, ये तो खुद शिव जी का आशीर्वाद है। जब बैंक में पैसे ट्रांसफर हो गए थे गलती से, उन्हें आपने इतनी आसानी से स्वीकार लिया, तो फिर इन संतानों को तो स्वीकार कर ही सकते हैं, ये तो खुद शिव जी का आशीर्वाद है। भोलेनाथ ने ये शर्त रखी है कि हमें एक समय पे एक ही वरदान मिलेगा, इसलिए जो पैसा हमें मिला है ना, वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। क्या बकवास करे जा रहे हो, मेरे पास जो पैसे आया मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। सारी गलती मेरी थी, मुझे भगवान की बात मान लेनी चाहिए थी और अपनी बीवी की बात नहीं माननी चाहिए थी। मैंने पाप किया है, पराय धन को अपना कहा है, काश के मैंने ना किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैडम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। तजुर्बा कहता है हमारा कि लालच हमें पल भर की खुशी जरूर दे देता है, लेकिन जिंदगी भर का सुकून छीन लेता है। ऐसे कमाया हुआ पैसा ना ही ज्यादा वक्त टिक पाता है, और खत्म हो जाने के बाद अपने पीछे छोड़ देता है बहुत बड़ा पछतावा, जिसका बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ता है। तो फिर ऐसे कमाई का क्या फायदा? जिसने भी कहा है क्या खूब कहा है, कफन भर दौलत अग्नि भर संतान, बस यही है सच, बाकी सब छल सामान। और आपको यही बात समझाने के लिए हमने ये नाटक किया था। मैडम सारा पैसा मेरे पास ही है, आज ही मैं बैंक का सारा पैसा सागर जी को वापस कर देता हूँ। सागर जी इस दौलत के लालच में बहक गया था, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी और बड़ी बात यह है कि सब कुछ ठीक हो गया, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस महिला पुलिस टीम की। मैं सलूट करता हूँ इनको और इनकी जादुई छड़ी को। जैन भैया। जैन बताओ बहना कैसे फोन किया? भैया हमारे हाथ में ना एक पेन ड्राइव लगा है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा काफी गोपनीय और गंभीर जानकारियां हैं, जो हमें लगता है किसी जिम्मेदार इंसान के हाथ में होना ही चाहिए। इसलिए हम आपको सौंपना चाहते हैं, आप हमें बस ये बताइए कि आप हमें कब कहाँ और कैसे मिलेंगे। बहना फिलहाल हम शहर के बाहर हैं, महत्वपूर्ण काम से आए हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, आते ही आपसे मिलेंगे। तब तक वो पेन ड्राइव की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं नहीं जिसका अमानत है उसको ही सौंपा जाएगा भैया। इस पेन ड्राइव का महत्व हम समझते हैं, हम प्राण देकर भी इसकी रक्षा करेंगे। आप ही से सीखा है ये सब, तो आप इतना भरोसा तो हम पे कर ही सकते हैं। जैन धन्यवाद करिश्मा सिंह, बहुत जल्द पेन ड्राइव हमारे पास होगी।